नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एचडी फोर सक्सेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 28 से स्टार्ट हुआ था और वो जुलाई के एंड में जाके ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग को कट ऑफ जानने से पहले मैं आप लोग को फुल डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ कि कितनी सीट थी, कितने स्टूडेंट लोग वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दिए थे और यहाँ पे कितने वैकेंसी हैं और कितने परसेंटेज आप लोग को एग्ज़ाम में आप लोग को CVT 2 के लिए सिलेक्शन होगा। तो मैं आप लोग को शुरुआत से बताने वाला हूँ, तो आप लोग शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए, तभी आप लोग को पता चल पाएगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो टोटल वैकेंसी थी वो आप लोग की थी 35,270 टोटल वैकेंसी थी और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप इन 2019, यानी यहाँ पे आप लोग का एनटीपीसी का जो फॉर्म था वहाँ टोटल स्टूडेंट कितने लोग फॉर्म फिलअप किए थे, तो 1.25 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो टोटल फॉर्म फिलअप किए थे एनटीपीसी 2019 का। और आप लोग का अगला ये है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन CVT 1 एग्ज़ाम, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 से 50% जो है वो आप लोग का टोटल स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम अपेयर किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लोग का 62.5 लाख स्टूडेंट जो है वो लोग एग्ज़ाम जाके दिए थे CVT 1 का, और बाकी के स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो यहाँ पे अगला आपका है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर CVT 2 एग्ज़ाम, तो यहाँ पे जो जो लड़के लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग CVT 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या कितने लड़के लोग क्वालिफाई करेंगे, मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ। तो आप लोग का जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी, इसका मतलब ये हुआ कि 35,270 का 20 टाइम्स, यानी इसका 20 गुना ही स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा CVT 2 एग्ज़ाम के लिए, और जो कट ऑफ होगा उसको अगर पार करते हैं तो आप लोग CVT 2 एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपेयर हो पाओगे। तो यहाँ पर जो आपका है 70.5 लाख, 70.5 लाख स्टूडेंट जो है वो CVT 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। जो आपका होता है, यानी आप लोग देख सको तो यहाँ पर आप लोगों का कंपटीशन होता है 9 स्टूडेंट पर सीट, यानी एक सीट के लिए आप लोग 9 लड़के लोग फाइट करेंगे एक सीट के लिए। तो आप लोग को ये डिटेल मैं बता चुका हूँ, और आप लोग को मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी 2015 कुछ डिटेल बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग को पता चल सके कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल ओबीसी एससी एसटी का। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2015 तक में। तो आरआरबी एनटीपीसी 2015 का जो टोटल सीट था वहाँ पर आप लोग का था 18,252, वहाँ पर आप लोग का टोटल सीट था। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप इन 2016 में जो फॉर्म फिलअप किया गया था आप लोग का वहाँ पे था टोटल 92 लाख स्टूडेंट जो है वहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए थे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन CVT 1 एग्ज़ाम, तो यहाँ पे 54 लाख स्टूडेंट जो है वो आप लोग का CVT 1 का एग्ज़ाम जाके दिए थे। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर CVT 2, इसका मतलब ये हुआ कि CVT 2 के लिए कितने लड़के लोग सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 15 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी, यानी यहाँ पे जो आप लोग का 18,252 है इसका 15 टाइम्स है, यानी 15 गुना ही स्टूडेंट को CVT 2 एग्ज़ाम में बैठने के लिए दिया जाएगा। तो उस 15 गुना स्टूडेंट कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का होता है 253,803 स्टूडेंट जो हैं आप लोग को यहाँ पे दिए जाएंगे बैठने के लिए CVT 2 में, जो आपका होता है 15 टाइम्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो कंपटीशन थी 21 स्टूडेंट की कंपटीशन थी पर सीट के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि 2019 की तुलना में 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ, 2021 में जो एग्जामिंड हुआ, यहाँ पर 9 स्टूडेंट पर सीट कम्पटिशन है एक सीट के लिए। तो मैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी 2015 का कुछ कट ऑफ दिखाने वाला हूँ जनरल ओबीसी एससी एसटी का कितना कट ऑफ गया था, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा एनटीपीसी 2021 में जो कट ऑफ जाने वाला है। तो
आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी 2015 में जो कट ऑफ गया था अहमदा जोन का वो गया था आपका 72, ओबीसी का गया था 64, एससी का गया था 57, एसटी का गया था 48। तो मैं आप लोग को पीडीएफ जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके पूरे डिटेल के साथ देख सकते हो कितना कट ऑफ गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अजमेर का जो कट ऑफ है 70, ओबीसी का 70, एससी का 62, एसटी का 59, पटना का देखो आप लोग जनरल का 63, ओबीसी का 53, एससी का 38 और एसटी का 26। तो आप लोग देख सकते हो कि एसटी का यहाँ पे कट ऑफ कितना कम है और ओबीसी का भी कट ऑफ एक तरह से पटना जोन में कितना कम है। यहाँ पे आप लोग देखो कि पटना में जनरल का कट ऑफ 63 है और अहमदाबाद में कट ऑफ 72 है। तो यहाँ पे लगभग 9 नंबर का आप लोग का डिफरेंस है कट ऑफ में जोन वाइज। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी दौरे का एग्ज़ाम, दौरे का इसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जनरल का जो कट ऑफ वो आप लोग का 68 से 72 के बीच जा सकता है, ओबीसी का जो आप लोग का कट ऑफ वो 63 से 67 के बीच जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ वो आप लोग का 62 से 68 के बीच जा सकता है, और एससी एसटी का जो कट ऑफ वो आपका 55 से 59 के बीच जा सकता है, और एसटी का जो कट ऑफ वो आपका 50 से 54 के बीच जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कट ऑफ कुछ इंक्रीज भी हो सकते हैं तो आप लोग +3 या +4 मार्क्स जो है यहाँ से ऊपर आप लोग का एक्स्ट्रा कट ऑफ जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ये आप लोग क्वालिफाई कर रहे हो CBT 1 तो आप लोग CBT 2 की तैयारी करो और एग्ज़ाम निकालो और जल्दी से आप लोग जॉब लो। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैं आप लोग के यहाँ पर डेली SSC CHSL की एनालिसिस करवाता हूँ, जैसे ही शिफ्ट ख़त्म होती है उसके 2 से 2.5 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड कर दी जाती है, वो भी सारे जीनियन और अथेंटिक क्वेश्चन। तो आप लोग, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अगर आप मेरे SSC CHSL के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो।